दोस्तों, समोसे बनाना आपको भी झंझट लगता है ना, तो आज मैं आपको बहुत ही यूनिक तरीका बताऊंगी। इस तरीके से आप ढेर सारे समोसे कुछ ही मिनट में बना सकते हैं और अपने परिवार में सभी को खिला सकते हैं। तो वीडियो पे बने रहना दोस्तों, बिल्कुल क्रिस्पी एंड टेस्टी समोसा बनाएंगे। बिना स्किप करे वीडियो को पूरा देखना। तो यहाँ पे हमने लिया है एक कटोरी मैदा, जिसे हमने अच्छे से छान लिया है। तौल से नापा जाए दोस्तों तो लगभग 100 ग्राम जितना मैदा है। मैदे में हम डाल देते हैं अजवाइन आधा चम्मच जितना, जिसे हमने पहले हाथों से क्रश कर लिया था। हाथों से क्रश करने से दोस्तों ये होता है, जो मैदे में ना अजवाइन का फ्लेवर आ जाता है। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1/4 चम्मच जितना नमक। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार भी ले सकते हैं। 2 चम्मच इसमें हम रिफाइंड ऑयल डालेंगे। इसकी जगह आप घी भी डाल सकते हैं या बिना फ्लेवर वाला कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। अच्छे से हमें तेल डालने के बाद मैदे में मिक्स करना है। बॉयल अच्छे से करेंगे तभी जो हमारा समोसा है ना, बिल्कुल खस्ता बन के तैयार होगा। तो ये देखिए, हमें बिल्कुल इस तरीके से आटे में तेल को मिला लेना है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी और बढ़िया सा डो बना के तैयार करेंगे। तो डो को हमें ना तो ज़्यादा नरम रखना है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट रखना है। जैसे हम मट्ठी वगैरह बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही रखना है। तो ये देखिए, हमने मसल मसल के डो रेडी कर लिया है। देखने से ही पता चल रहा है हमारा जो आटा है ना, वो ना तो ज़्यादा नरम है और ना ज़्यादा सॉफ्ट है। तो अब इसे हम ढक देंगे और ढक के 10 से 15 मिनट के लिए आटे को सेट होने देंगे। तब तक हम समोसे की टेस्टी सी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे 100 ग्राम पनीर को कट कर लिया है, साथ ही 2 हरी मिर्च को, 1/2 इंच अदरक को बारीक काट लिया है, और यहाँ पे हमने लिया है थोड़ा सा सफल मटर। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा हमारे समोसे में। साथ ही हमने लिया है 3 उबला हुआ आलू, जिसे हमने ठंडा कर लिया था। 1/4 चम्मच हमने लिया है साबुत धनिया और 1/4 चम्मच जीरा। इन सारी चीज़ों को साइड में रख देते हैं, चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे हमने रखा है कढ़ाई। कढ़ाई को गर्म होने देंगे और 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे। तेल गर्म होने पे जीरा और साबुत धनिया डाल देंगे और 2 पिंच हींग। तो दोस्तों, धनिया से ना बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है, तो जब भी आप समोसे घर पे बनाते हो ना, तो आप साबुत धनिया जरूर डालना। अदरक और हरी मिर्च डाल देंगे और दोनों चीज़ों को हल्का सा भून लेंगे। हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना दोस्तों, बिल्कुल हल्का सा भूनना है और गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे मटर। तो मटर को भी हमें ज़्यादा नहीं भूनना, क्योंकि ये सफल मटर है, ये बहुत ही जल्दी पक जाता है। तो मटर को हमने कुछ सेकेंड पका लिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं पनीर। पनीर डाल देंगे, पनीर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पनीर को भी हमें भूनना नहीं है बहुत ज़्यादा, बस हल्का सा ही मिक्स करना है और 20 से 25 सेकेंड पकाना है। तो दोस्तों, हमने सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया है। अब इसमें हम मसाले डालेंगे। 1/4 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच चाट मसाला, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार। तो दोस्तों, मसाले भी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा डाल सकते हैं। थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे। अब हमने जो बॉयल आलू लिया था ना, उसे हाथों से मैश करके अच्छे से डाल देंगे, या फिर इसे आप पहले भी मैश करके रख सकते हो, पर मैं इसे हाथों से तोड़ के ऐसे ही डाल दूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने सारे आलू को अच्छे से हाथों से ही मैश कर लिया है। अब हमें गैस का फ्लेम लो रखना है और लो फ्लेम पे ही अच्छे से मसालों को मिक्स करना है, और 3 से 4 मिनट हम आलू को मसालों के साथ भून लेंगे, ताकि जो कच्चापन है ना, वो दूर हो जाए और सारी चीज़ें आपस में मिल जाए। तो दोस्तों, देखने से ही पता चल रहा है हमारा जो स्टफिंग है ना, वो अच्छे से भून चुका है। 3 से 4 मिनट हो चुका है दोस्तों। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और ये देखिए, हमारा सुपर टेस्टी समोसे का आलू बनके तैयार है। तो अगर आपके पास हरा धनिया है ना, तो आप कट करके जरूर डालना। मेरे पास इस समय ख़त्म हो रखा था दोस्तों, तो मैं इसे ऐसे ही बना रही हूँ। और ये देखिए, कितना लाजवाब लग रहा है देखने में। मन कर रहा है कि इसे ऐसे ही खा लूँ, पर दोस्तों, इसे हमें ऐसे नहीं खाना है, इससे हमें टेस्टी सा समोसा बना के तैयार करना है, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में।
तो स्टफिंग को ठंडा होने देते हैं, आटे को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आटा है ना वो अच्छे से सेट हो चुका है। इसे हम थोड़ा सा मसल लेंगे और इसकी हम लोई बना के तैयार कर लेंगे। तो मैं लोई को चाकू से इस तरीके से कट करके बना के तैयार करूँगी दोस्तों। इस तरीके से ना बिल्कुल बराबर जो है ना एक बराबर सारी लोई बन के तैयार होगी। जैसे हम रोटी के लिए बनाते हैं ना, हमें बस लोई को उतना ही बड़ा रखना है। तो यहाँ पे हमने लोई बना लिया है। अब आप चाहे तो इस पे सूखा आटा लगा के भी बेल सकते हैं, पर जो हमारा आटा है ना बहुत ही बढ़िया गूंथ के तैयार हुआ है, तो मैं इसे ऐसे ही बेल लूँगी। तो दोस्तों रोटी को हमें बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना, बस रोटी से थोड़ा सा बड़ा रखना है और बहुत ही ज़्यादा पतला भी नहीं करना, बस हल्का सा मोटा रखना है। और इसे हमें पहले तो लंबाई में कट करना है और फिर चौड़ाई में, यानी कि हमें इसे ट्रायंगल का शेप देना है। ये देखिए इस तरीके से, जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा है। अब हमने जो आलू का टेस्टी सा स्टफिंग तैयार किया था ना, उसके छोटे छोटे बॉल बनाएंगे और चारों टुकड़ों पे इसे हम रख देंगे, जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है ना बिल्कुल वैसे ही। अब एक पीस को हम इस तरीके से उठाएंगे और पीछे से इसे हम हाथों से दबाते हुए इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। और अब इसे हम ऊपर वाले पार्ट को जो निकल रहा है ना उसको हम इस तरीके से दबा देंगे। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, तो इस तरीके से आप समोसे ज़रूर बनाना। आपने कभी भी इस तरीके से नहीं बनाया होगा तो ट्राई ज़रूर करना दोस्तों। और अगर वीडियो पसंद आ रही है, समोसे बनाने का तरीका पसंद आ रहा है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। इससे मुझे पता चलता है कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है। बाकी के समोसों को भी हम ऐसे ही बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने चारों समोसे को बना लिया है। अब मैं आपको एक और तरीका बता रही हूँ समोसे बनाने का। हम एक और लोई लेना है, इसे इस तरीके से ओवल शेप में बेल लेना है। अब इसे हम बीच से कट लगा लेंगे और एक पार्ट को हम उठाएंगे इस तरीके से, और जहाँ से हमने कट लगाया है ना वहाँ पे हम इसे फोल्ड कर देंगे, पानी लगा लेंगे ताकि जो ये पार्ट है ना ये खुले दे। पानी लगाने से ये अच्छे से चिपक जाएगा दोस्तों और ये खुलेगा भी नहीं। इस तरीके से कटोरी बनाएंगे और हमने जो टेस्टी सा स्टफिंग तैयार किया है ना आलू का, इस पे हम फिल करेंगे। कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से दोस्तों आलू रख सकते हैं इसमें। मैंने यहाँ पे एक चम्मच डाला है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। चारों तरफ से पानी लगा देंगे, बीच में हम प्लेट बनाएंगे और समोसों को इस तरीके से हाथों से दबाते हुए फोल्ड कर देंगे। तो दोस्तों है ना कितना आसान तरीका। तो आपको जो भी तरीका पसंद है ना आप उस तरीके से समोसे बना सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको मेरा कौन सा तरीका अच्छा लगा और किस तरीके से आप समोसे बनाना पसंद करोगे। तो दोस्तों प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। जब आप सब मुझे कमेंट करते हो ना मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। यहाँ पे देखिए हमने तेल गरम होने पहले ही रख दिया था, तो तेल को चेक कर लेते हैं। तो देखिए तेल जो है ना हमारा बिल्कुल परफेक्ट है समोसे के लिए, ना तो बहुत ज़्यादा गर्म और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो अब इसमें हम समोसों को डाल देंगे। तो एक बार में आपके कढ़ाई में जितना समोसा आए आप उतना डाल सकते हैं। इस समोसों को बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है, इतने कम तेल में भी समोसा बिल्कुल लाजवाब बनके तैयार होगा। समोसे डालने के बाद गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे, लो फ्लेम पे ही समोसों को कलर चेंज होने तक तलेंगे। उसके बाद इसे हम अलट पलट कर क्रिस्पी होने तक अच्छे से तल लेंगे। तो गैस का फ्लेम दोस्तों हमें लो रखना है और लो फ्लेम पे ही समोसों को फ्राई करना है। तो यहाँ पे देखिए समोसे का जो कलर है ना बिल्कुल चेंज हो गया है। अब इसे हमें 1 से 2 मिनट और अलट पलट कर क्रिस्पी होने तक तलना है ताकि जो इसका कलर है ना बिल्कुल मार्केट जैसा आ जाए। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल मार्केट के जैसा हमारे समोसे में कलर आ चुका है, देखने से ही पता चल रहा है हमारा जो समोसा है ना बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार है। तो अब इसे हम निकाल लेते हैं। ये समोसा दोस्तों देखने में जितना लाजवाब है खाने में ये उतना ही अच्छा है। ये मिनी समोसा बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, तो आप ज़रूर ट्राई करना। और देखा ना आपने कितने कम सामानों से ही हमने ये घर पर सुपर टेस्टी समोसा बना के तैयार किया है। तो इस समोसे को हम सर्व कर लेंगे, तब तक हम दूसरे बैच को जो बचा हुआ है ना उसे भी कढ़ाई में डाल देते हैं।
और देखा ना आपने दोस्तों, एक कटोरी मैदे से इतना सारा समोसा बनके तैयार हुआ है। तो आप भी जरूर ट्राई करना दोस्तों मेरे इस तरीके से समोसे, देखने में कितना बढ़िया लग रहा है दोस्तों, कितना लाजवाब बनके तैयार हुआ है। देखने से ही पता चल रहा है जो समोसा है ना, बिल्कुल क्रिस्पी है और टेस्टी है। तो इसे मैंने टमाटो केचप के साथ सर्व किया है, आपको जिसके साथ भी पसंद है ना दोस्तों, आप समोसे को इंजॉय कर सकते हो। ये देखने में जितना लाजवाब है, खाने में ये उतना ही टेस्टी है। तो दोस्तों आप भी इस आसान सी रेसिपी को जरूर ट्राई करना, इस तरीके से समोसे बनाना और अपने परिवार में सभी को खिलाना। अगर वीडियो यूजफुल लगी है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड फैमिलियों में शेयर करना। यहाँ पे मैं आपको एक समोसा तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए कितना खस्ता बनाया है हमारा समोसा, बिल्कुल हलवाई जैसा, खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना दोस्तों, और मुझे कमेंट में बताना कि आपको मेरा ये तरीका कैसा लगा। मिलती हूँ ऐसी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।